नमस्कार दोस्तों, मंटू गैंग की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं वीवो T1 5G और IQ G6 के बीच एक फुल डिटेल कंपैरिजन और बताएंगे कि इन दोनों फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन से फ़ोन में आपको बेहतर फीचर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोनों ही फ़ोन के पहले डिस्प्ले से। सबसे पहले बात करें वीवो T1 5G की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के रेफ्रेश रेट के साथ आती है। इसी के साथ इसमें आपको 401 का PPI भी मिलता है। दोस्तों अब बात करें IQ G6 की, तो इसमें भी आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है। इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट और 401 का PPI मिलता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही फ़ोन में वीडियो क्वालिटी और जो पिक्चर क्वालिटी है वह आपको सिमिलर देखने को मिलेगी, यानी कि आपको दोनों ही फ़ोन में एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। आउटडोर कंडीशन में आपको कुछ इस तरह का व्यूइंग एंगल देखने को मिलेगा। अब बात करें दोनों ही फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही फ़ोन के फ्रंट पर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन और दोनों ही फ़ोन के बैक पर आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों ही फ़ोन एकदम सेम देखने को मिलेंगे बिल्ड क्वालिटी के मामले। डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन के बैक साइड पर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ कलर चेंजिंग डिजाइन देखने को मिलती है। तो दोस्तों डिजाइन के मामले में भी यहां पर दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलते हैं। अब बात करें दोनों ही फोन के हार्डवेयर की, तो दोनों ही फोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टाकोर CPU मिलता है। दोनों ही फोन में आपको एड्रिनो 619 GPU और दोनों ही फोन एंड्रॉइड 12 पर रन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर नो डाउट गेमिंग के मामले में दोनों ही फोन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोनों ही फोन का जो N22 स्कोर निकल कर आया वह भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों ही फोन गेमिंग के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। अब बात करें दोनों ही फ़ोन के स्टोरेज की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम मिलती है। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में आपको 128GB का स्टोरेज भी मिलता है और स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए दोनों ही फ़ोन में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों स्टोरेज के मामले में भी हमें दोनों ही फ़ोन सेम देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के कैमराज की। अगर सबसे पहले वीवो T1 5G की, तो इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 1.8। 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको मिलता है डेप्थ सेंसर, तो 2 मेगापिक्सल का आपको मिलता है मैक्रो लेंस। अब बात करें IQ G6 की, तो इसमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको मैक्रो लेंस मिलता है और दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरे से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो दोस्तों कैमरे के मामले में भी यह फ़ोन आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करें दोनों ही फ़ोन की बैटरी की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और दोनों ही फ़ोन 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं। अब बात की जाए दोनों ही फ़ोन के वेट एंड थिकनेस की, तो दोनों ही फ़ोन 8.3 mm की थिकनेस के साथ आते हैं। वेट की बात करें तो वीवो T1 आता है 187 ग्राम के साथ, तो वहीं IQ G6 आता है 185 ग्राम के साथ। तो दोस्तों यहां पर कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अब बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोनों ही फ़ोन के पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन के फीचर्स के बारे में हमने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दिया है, फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ओवरऑल कहें तो दोनों ही फ़ोन में आपको कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो IQ फ़ोन है वह वीवो का ही रीब्रांड फ़ोन है, जैसे ओप्पो का रियलमी है और Xiaomi का Redmi है, ऐसे ही वीवो का यह IQ सीरीज का फ़ोन है। तो दोस्तों कंपैरिजन के हिसाब से अब आप जान ही गए हैं कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए कौन सा फ़ोन नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।